Am I audible now? Okay, fine, thank you. पॉसिबिलिटी हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दी थी
मैम अपना माइक फोन साथ अटैच कर लो। ओके जी, फिर मुझे आपकी आवाज नहीं सुनेगी बच्चे, यानी हैव टू गिव योर माइक।
यस मैम. इसका मतलब क्या है? मतलब ऑल द एंगल्स विल बी सेम. मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दो ट्राइंगल्स के, वो अगर सेम होते हैं देन वी विल से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. एक कल आपको एक लेटर का मैंने बता दिया था. लेट अस सपोज कि ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, ये कितना आएगा? मुझे गिवन ही नहीं है. लेट अस सपोज जरूरत है निकालने की. दो एंगल्स भी अगर इक्वल है तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली वो एंगल आपका इक्वल आएगा थर्ड वाला. तो ए सिमिलैरिटी रूल से ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी. ABC is similar to DEF. ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया ये आपका. सेकेंड AL upon LB is equal to AM upon MC and DN upon NE is equal to DO upon OL. Sides proportion में, ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल. क्या ये मैंने ठीक लिखा है? Is it correct? Yes or no? कैसे लिखेंगे? Yes, A, L. इस लाइन की जरूरत है सिमिलैरिटी में. इट मीन्स इसकी जरूरत नहीं है. अब बताओ साइड्स जो हमको हमने शो करना है दे आर प्रोपोर्शनल. मुझे एंगल ए और डी इक्वल गिवन है. मैं क्राइटेरिया यूज कर रही हूँ एस ए एन. ए बी और ए सी के बीच में एंगल है, ठीक है. तो ए बी अपॉन डी ई या ए सी भी आप लिख सकते हो. ए सी अपॉन डी एफ. जो दो साइड्स आप यहाँ पे ले रहे हो या यहाँ पे ले रहे हो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो. ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ. क्योंकि इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख. यहाँ से क्या होता है आपको क्लियर पता लग जाता है कि कौन से एक ट्राइंगल की आपका. तो ए बी और ए सी के जो इंक्लूडेड एंगल है अगर वो एंगल्स इक्वल है, साइड्स के इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल है, देन वी आर यूजिंग एस ए एस क्राइटेरिया. साइड्स इक्वल नहीं है यहाँ पे क्या होंगी? प्रोपोर्शनल है, ठीक है. नेक्स्ट सेम वे में एस ए एस थर्ड आएगा एस 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 ऑल द साइड्स. ठीक है जी. और हाँ जी, जो दो साइड्स आप ले रहे हो ऐसे ऐसे क्या होगा? क्योंकि हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो साइड्स जो भी हम दो साइड्स की बात कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल हो. और कौन सी साइड्स लेनी है जिनके बीच वाला एंगल की बात है? एंगल ए और डी अगर इक्वल है तो ए और डी का जो है ए कौन सी दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है? ए बी और ए सी के बीच. बी कौन सी दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है? डी ई और डी एफ. यानी कि ए बी अपॉन डी ई ए सी और डी एफ इनका प्रोपोर्शनल हम चेक करें, ठीक है. तो अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है आपके, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. देन एस 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 क्राइटेरिया की बात हो रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स बनेंगी उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, प्रोपोर्शनल होंगे. ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन
ये क्लियर है? और कौन सा रूल है आपका, जल्दी बोलो। आर एच एस, हाँ जी आर एच एस किया हुआ है। ये सिमिलैरिटी में होगा एप्लीकेबल, कहाँ पे एप्लीकेबल है? हाँ जी साइड एंगल साइड है, साइड 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 है एंड एंगल एंगल किसमें? एंगल एंगल वही हो गया ना, इसमें साइड नहीं लेके चलते। हाँ जी क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल एट, एग्जाम्पल एट देखो। सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर, और इनके मीडियंस गिवन है सी एम और आर एन। प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। मैं इस हिसाब से बना दू फिर के बुक वाले नहीं ले रही हूँ, ठीक है? ए बी सी और पी क्यू आर हमें गिवन है, मीडियंस को ना क्या क्या गिवन है? सी एम एंड आर एन, सी एम एंड आर एन। चलो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? दैट गिवन है हमें ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर and we have to prove that A and C is similar to B and R. Simple है ये। A B C similar to P Q R मतलब sides कौन कौन सी? A B upon P Q, B C upon Q R and A C upon P R. Moreover, angle A is equal to angle B, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. ये मुझे given है sir. अब इस given को use करके हमने prove करना है that triangle जो है वो similar है। कौन कौन सी? AMC and PNR. This is your AMC and this is PNR. M is the midpoint of AB, N is the midpoint of PQ. AM and PN. हाँ जी। अच्छा एक चीज देखो, एंगल A और एंगल B इक्वल गिवन है हमें, ठीक है? अगर मैं ये फुल ट्राइंगल लूँ तो AB और AC में एंगल A इंक्लूडेड है, यहाँ पे PQ और PR में एंगल B इंक्लूडेड है। तो मैं ये कंसेप्ट कह सकती हूँ, ये मुझे गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ए बी को मैं ट्वाइस ऑफ ए एम से रिप्लेस कर सकती हूँ, सेम वे में पी क्यू को मैं ट्वाइस ऑफ पी एन से रिप्लेस कर सकती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ए एम सी और पी एन आर फाइनल से, तो ए बी को मैं रिप्लेस कर रही हूँ ए एम से। ए बी जो है दैट इज डबल ऑफ ए एम, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट, तो ए एम हाफ है ए बी का। तो ए बी को रिप्लेस कर दिया हमने ट्वाइस ऑफ ए एम से और पी क्यू को ट्वाइस ऑफ पी एन से। अब ये टू से टू आपका कैंसिल आउट हो गया। हमने यहाँ क्या शो कर दिया? दैट ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। ये साइज प्रोपोर्शनल है, ऑलरेडी हमें इंक्लूडेड एंगल इक्वल गिवन है, तो ट्राइंगल्स दोनों क्या हो गई आपकी? सिमिलर। यही चीज हमें शो कर, एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ आ गया ये? हाँ जी। ए ए से कैसे करोगे आप? क्योंकि एंगल बी भी गया, सी भी पता नहीं हमें हाफ है या कितना है। क्यों जरूरी थोड़ा वो आपको फिर शो करना पड़ेगा ना साइड, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनल गिवन है, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो एंगल्स आ भी सकते हैं।
हाँ जी बेटे, वो फिर आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. ये है नहीं पढ़ा हुआ आपने ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट. तो जहाँ पे आप कोई रिजल्ट यूज कर रहे हो जो स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आपको उसको प्रूव करना. ठीक है. हाँ जी क्या कह रहे थे बेटे आप पीछे से बोल रहा था. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें. अब सेकेंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा, सी एम अपॉन आर एन is equal to AB upon PQ. CM upon RN is equal to AB upon PQ. तो क्या लिखे चलिए. हाँ जी बोलो. CM और RN हमें medians given है. अब हमें प्रूफ करना है दैट सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. क्या प्रूफ किया है हमने, क्या ए एम सी और ये हमने ठीक है प्रूफ किया हुआ है ट्राइंगल सिमिलर में. तो साइड कौन कौन सी बन रही है, ये सी एम के अपॉन के ए बी से. इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली ओके हमने ले लिया ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. अब हमें क्या क्या दी है, सी एम और आर एन हमें इक्वल टू प्रूव करना है ए बी और पी क्यू. अगेन जो पहले वाला कंसेप्ट था सेम यूज करेंगे. क्या ये दो लो, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस ऑफ ए एम इज ए बी, ट्वाइस ऑफ पी एन इज दिस इज इक्वल टू सी एम या एम सी अपॉन आर एन या एन आर. दैट्स वन एंड द सेम थिंग. यही चीज आपको प्रूव कर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू. हाँ तो उसमें आपको हाँ बिल्कुल ले सकते हो. यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर जो है ये इनके प्रोपोर्शनल गिवन है, यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर इसके प्रोपोर्शनल गिवन है. तो अगर दो चीजें एक सेम थिंग के प्रोपोर्शनल है तो दे विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ऐसे भी कर सकते. देन थर्ड पार्ट सी एम बी सिमिलर टू आर एन क्यू. सी एम बी सिमिलर टू आर एन क्यू. अब ये वाला लेके चल तो दिस यू विल डू योर. कैसे करेंगे, हाँ अब आप क्या लेके चलोगे, यहाँ पे आपने ए एम लिया था, अब आप ए एम की जगह क्या ले लोगे, एम बी हो जाएगा. ये कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है. वहां से बोर्ड विजिबल है, फिर पीछे चले जाओ, पीछे किसी के साथ बैठ जाओ. आप पूछो क्या डाउट है बेटे, क्लियर. ये दोबारा समझाऊं, दिस वन इसमें हमें जो लास्ट पार्ट है वहां पे हमें ट्रायंगल सीएमबी सीएमबी और आरएनक्यू को सिमिलर प्रूव करते हैं. ठीक है, हमें ये गिवन है, हमने क्या किया एबी अपॉन बीक्यू को. अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्योंकि लेना है हमने तो ट्वाइस ऑफ एमबी से रिप्लेस करो. एम आपका मिड पॉइंट था ए बी का, यानी कि ए बी इज डबल ऑफ एम बी, तो ए बी को मैंने डबल ऑफ एम बी से रिप्लेस कर दिया. सेम वे में पी क्यू इज डबल ऑफ एन क्यू, तो पी क्यू को रिप्लेस कर दिया ट्वाइस ऑफ एन क्यू. ये कट गया, एम बी अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. अब यहाँ पे ये एंगल दोनों का इंक्लूडेड एंगल बन रहा है और ये वाली साइड आपकी यहाँ पे AC अपॉन BR की जगह BC अपॉन QR. दिस इज योर BC, दिस इज योर QR. अब ये साइड प्रोपोर्शनल है, दिस इज द इंक्लूडेड एंगल जो इक्वल है. तो ऐसे एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. कौन कौन सी, CMB एंड RNQ. ये थर्ड पार्ट आपको शुरू करना है. This is clear. If anyone is having any doubt, you can ask. Chale ab exercise 6.3. Huh? Last.
कहाँ है ये वाला? ये इसकी बात नहीं है, ये अलग है, ये पिछले वाले का पार्ट था। यहाँ पे ये चीज आ गई, इसके बाद सीधा आप लिख दोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो ट्राइंगल सी एंड बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एंड बी। प्रूफ ऑप्शंस ही आएंगी बीच में से जो भी होंगी, तो अकॉर्डिंगली मतलब जैसे उन्होंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की सिमिलैरिटी की ऑप्शन दे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा वो ट्राइंगल सिमिलर बन रहा है किसी रूल को यूज करके कि नहीं। जरूरी नहीं है वो तीनों की तीनों होगी, मे बी कोई एक आ जाए, मे बी दो डाल के वो साथ में लिख दे, बोथ ए एंड बी आर किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3, से विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबल। चलो जी बताओ क्या है फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। एंगल्स आपको सारे तीनों के तीनों गिवन है 60 80 एंड 40, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल बनेगा नेम्स बताइए, ऑर्डर क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, सेकेंड वाले पे आइए, 2 3 एंड 2.5 हमें गिवन है ए बी सी, और दूसरा क्या गिवन है पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ए बी और क्यू आर, बी सी एंड आर पी, बी सी आर पी, आर पी के इक्वल आ रही है इससे, ये चेक करो जल्दी से, बीसी 2.5 है और ये थ्री है, सो विद दिस आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, सो फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।